इस जगह गई चाहते अब मेरी। ओके सो गाइस, जो वीडियो अभी आपने प्रीव्यू में देखी है, तो आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस टाइप की ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप कुछ इस टाइप की जो कि वो ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर VN ऐप का यूज करके। VN ऐप जो कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल ऐप है इस टाइप की जो कि वो एडिटिंग के लिए। एंड हाँ, अगर आप इस टाइप की एडिटिंग कैपकट ऐप के अंदर करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप कैपकट के अंदर भी इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हो। बट यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको VN ऐप के अंदर बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप्स के साथ बताऊंगा, बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जो कि वो सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को ऑल भी प्रेस कर देना है, ताकि इस टाइप की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको VN ऐप को जो कि वो प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऐप है, वहां से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर VN ऐप को ओपन कर लेना है। VN ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस आता है, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। प्रेस पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो में चले जाना है, ठीक है। फोटो में जाने के बाद यहाँ पर आप कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एड सेटर, आपके पास कोई भी फोटो है, ठीक है। सिंपली आपको अपनी फोटो सिलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम इस फोटो को बाद में डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकॉन मिलता है बड़ा सारा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मटेरियल पे क्लिक कर देना है। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपने ब्लैक स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद जो फोटो हमने ऐड की थी सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर डिलीट पे क्लिक करके इस फोटो को डिलीट कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो का साइज सिलेक्ट करना है, मतलब किसका फ्रेम का साइज सिलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जो किया अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 9:16 की रेशियो को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप 9:16 भी यूज कर सकते हो, या फिर आप जो कि वो 1:1 का भी साइज जो कि वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको YouTube के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 16:9 वाली जो कि इसको सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं जो कि इसको YouTube के लिए बनाना चाहता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर इसको ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, अपनी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ट्रिम वाला ऑप्शन, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का जो कि वो टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है कि आप कितनी बड़ी वीडियो बनाना चाहते हो, 25 सेकंड की, 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, जितनी भी आप बनाना चाहते हो सिंपली आपको वो यहाँ पर ऐड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको जहाँ पर 3 नजर आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उतने सेकंड या उतने सेकंड यहाँ पर आपको टाइप कर देने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैं इसको 10 सेकंड बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने 10 टाइप कर दिया। एंड उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नीचे 10 पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो क्या वो ये 10 सेकंड तक जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो के स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको अपने म्यूजिक को ऐड करना है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर लिरिक्स लिखना चाहते हो, कोई भी सॉन्ग आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास सॉन्ग पड़ा है तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करूंगा। ऐड करने के लिए टैप टू ऐड म्यूजिक वाला ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद आपको माई म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आप अपनी वीडियो से भी ले सकते हो, आपके पास कोई वीडियो है उसके अंदर सॉन्ग है तो आप उसको भी यहाँ पर ले सकते हो, या फिर जो क्या वो आप अपने मोबाइल से भी ले सकते हो, मतलब कि अपने फाइल मैनेजर से। बट यहाँ पर मैं वीडियो से ले रहा हूँ तो सिंपली आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से जो कि आपको सिंपली उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेरे पास माई म्यूजिक के अंदर एक म्यूजिक पड़ा है, ठीक है, ये भी मैंने एक वीडियो से ही लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए यहाँ पर मैं नीचे यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, सॉरी उसके ऊपर यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीट्स वाला ऑप्शन, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने म्यूजिक को सुनना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो भी फर्स्ट लिरिक्स होगा, मतलब कि अपने म्यूजिक की फर्स्ट लाइन को सुनना है। एंड उसके बाद आपको एक बीट ऐड कर देना है, जैसा कि अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर जैसा कि हम मेरा बीट आ रहा है, फर्स्ट यहाँ पर बीट आ रहा है, मतलब कि इस जगह आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा एंड यहाँ पर मैं झंडे वाले बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ पर जो कि एक बीट ऐड कर दूंगा। तो कुछ इस टाइप से आपने बीट्स ऐड कर देने अपने म्यूजिक के अंदर, मतलब कि अपने सॉन्ग को सुनना है एंड अपने लिरिक्स के मुताबिक उतने बीट्स ऐड कर देने। तो कुछ इस टाइप से मतलब कि रेड रेड कलर के बीट्स ऐड हो जाते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद अगेन से आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारे बीट्स ऐड हो जाते हैं। अगर मैं इसको जो कि वो जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बीट ये लगा है एंड एक बीट ये लगा है। तो यहाँ पर मेरे जो कि वो टोटल 3 लिरिक्स जो कि वो यहाँ पर टाइप होंगे।
जैसा कि यहाँ पर एक लिरिक्स यहाँ पे आएगा, एक लिरिक्स यहाँ पे आएगा एंड एक लिरिक्स इसके नीचे आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद अब पारी आती है हमारी मेन की, आप यहाँ पर लिरिक्स कैसे लिख सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको जो क्या वो टैप टू एड सब टाइटल वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड अ हेडिंग पे क्लिक कर देना है। एड अ हेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कि आपके म्यूजिक की फर्स्ट लाइन होगी उसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं जो कि वो टाइप कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपको अपने लिरिक्स की जो कि वो फर्स्ट लाइन को यहाँ पर टाइप कर देना है। तो बट यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्ड होगा ना, जैसा कि यहाँ पर मेरा इस है इस जगह आ गई, तो यहाँ पर इसका जो कि वो मैं आई बड़ा रखूंगा एंड जगह का जे बड़ा रखूंगा एंड आ का ए बड़ा रखूंगा एंड गई का जो कि वो जी बड़ा रखूंगा। तो कुछ इस टाइप से आपने इसको टाइप करना होता है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर डबल एफ वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड वी एन ऐप के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो कि वो यहाँ पर इफेक्ट सॉरी फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस टाइप से ये फॉन्ट है, जो यहाँ पर आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर जो क्या वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि ये यहाँ पर ये फॉन्ट है, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर जो क्या वो सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। बट यहाँ पर जो कि वो मैंने एक रैंडम ऐड किया, मतलब कि गूगल क्रोम से डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड किया है, जिसका नाम है फॉइलिक्स गर्ल। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस फॉन्ट को जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पर ये फॉन्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसा फॉन्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डबल ए वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देना है। डबल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इसके साइज़ को जितना रखना चाहो आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसा कि इसके साइज़ को यहाँ पर मैं जो क्या वो 35 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 35 पर इसको सेट कर दूंगा। एंड उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज नहीं कर सकता, बट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कलर कैसे चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इसका कलर जो आप रखना चाहो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर कोई कलर नहीं रख रहा, ठीक है सॉरी। यहाँ पर मैं जो क्या वो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो क्या वो बिल्कुल वाइट कलर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो क्या वो ऊपर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको जो क्या वो टाइम ड्यूरेशन कुछ इस टाइप से अपने फर्स्ट बीट के नीचे कुछ इस टाइप से लगा देना है। ओके, अब आपको अपने सॉन्ग को प्ले करना है एंड जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है वहाँ पर जो कि आपको इस लेयर इसका जो कि मतलब कि ये स्टार्ट वाला हेड है उसको यहाँ पर आपको उसके ऊपर रखना है। तो जैसा कि अगर मैं इसको प्ले करता हूँ वो यहीं से शुरू हो रहा है, इस जगह आ गई। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो कि वो मोशन पे क्लिक कर देना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एनिमेशन कुछ इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पर जो कि वो फेड पे क्लिक कर देता हूँ तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन होगी। एंड अगर यहाँ पर मैं जो कि वो ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन होगी। एंड अगर मैं सेकेंड टाइम जो कि वो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ ग्रेडियंट पे तो कुछ इस टाइप से होगी। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसकी टाइम ड्यूरेशन को जो कि वो सेट कर सकते हो, जितना भी आप इसको रखना चाहो तो ये उतना स्लोली होगा कुछ इस टाइप से। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो कि वो आउट एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। एंड इसके अंदर भी आप जो एनिमेशन आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आउट एनिमेशन के अंदर ग्रेडियंट वाला जो कि वो कुछ इस टाइप से होगा। अगर मैं इसके ऊपर सेकेंड टाइम टाइप करता हूँ तो कुछ इस टाइप से होगा। एंड अगर मैं थर्ड टाइम जो कि इसके ऊपर टाइप करता हूँ तो कुछ इस टाइप से जो कि मतलब कि इसकी आउट एनिमेशन होगी। अगर मैं इसके ऊपर फोर टाइम टाइप करता हूँ कुछ इस टाइप से होगा। बट यहाँ पर मैं जो किया वो इसके अंदर ये फर्स्ट टाइम वाला भी ऐड कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। ओके, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसकी टाइम ड्यूरेशन को कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप से हमारा फर्स्ट लिरिक्स यहाँ पर आ चुका है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसके ऊपर डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर जो क्या वो इस लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। एंड कुछ इस टाइप से आपने इसको उठा के जो क्या अपने सेकेंड लिरिक्स पर लगा देना है, ठीक है। मतलब कि अपने टाइम लाइन के थोड़ा सा आगे तरफ करके लगा देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो कि अपने लिरिक्स की सेकंड लाइन को टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपने सेकंड लिरिक्स को भी यहाँ पर जो कि वो टाइप कर दिया। तो यहाँ पर मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस टाइप से होगा हमारी सेकंड लाइन जो कि वो चाहते हैं अब तेरी, कुछ इस टाइप से होगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पकड़ कर इसको भी जो कि अपने सेकेंड बीट के आगे कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड सेम टू सेम आपको यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो कि हमारा लास्ट लिरिक्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करना है कुछ इस टाइप से, जैसा कि यहाँ पर मैंने किया है। आपको यहाँ पर जो कि वो इसको उठा के कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी थर्ड लिरिक्स को सुनना है एंड सेम टू सेम आपको एडिट भी क्लिक करके उसको यहाँ पर जो क्या वो टाइप कर देना है। तो यहाँ पर जो क्या वो मैंने अपने थर्ड लिरिक्स को भी यहाँ पर टाइप कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर डन भी क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस टाइप से हमारी वीडियो यहाँ पर जो कि वो कम्प्लीटली जो कि वो यहाँ पर एडिट हो जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है। एंड आप भी इस टाइप की वीडियो इस टाइप से बना सकती हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी सेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड उसके बाद सिंपली आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है।
तो आपकी वीडियो यहाँ पर जो क्या वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो ये थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को जो कि वो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।